तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मिया को जो अपने लंदन के बेस्ट फ्रेंड डेनियल से वीडियो कॉल में बातें कर रही थी। मिया अपने भाई और पेरेंट्स के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई थी। उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए हर दिन वो किसी न किसी स्कूल के बच्चों से लड़कर घर आ जाती थी। जॉन के पापा ने यहाँ पर जानवर का फार्म खोला था और अब इसकी जिम्मेदारी जॉन पर थी। वो इस फार्म को बड़े अच्छे से देख रहा था। मिया यहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लंदन में रहना पसंद था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड डेनियल को बहुत मिस कर रही थी। मिया के बड़े भाई मिक को हर दिन बुरे सपने डराकर उठा देते थे और उसकी माँ एलिस उसे टिम्बावाटी शांगान लोगों के बारे में कहानी सुनाती थी। जब सारी दुनिया माँ प्रकृति के चपेट में आ गई थी तब सभी को लग रहा था कि यह दुनिया का अंत है, पर सिर्फ एक आदमी शैमन यानी जादूगर उनसे कहने लगा कि इंसान प्रकृति को दिन प्रतिदिन नष्ट करते हुए उन्हें प्रलय के लिए उकसाया है। अब वह अपना बदला ले रही है। लेकिन क्रिसमस के दिन व्हाइट लायन का बच्चा पैदा होगा और कुछ ऐसा ही होता है। जॉन के फार्म में सुबह एक बहुत ही प्यारा सा सफेद शेर का बच्चा पैदा होता है। जॉन उसे अपने फैमिली से मिलाता है जिससे मिक बहुत खुश होता है, साथ ही उसकी माँ भी। पर मिया को अब भी उस प्यारे से व्हाइट लायन के बच्चे के ऊपर प्यार नहीं आया था। वो तो बस अपने लंदन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही सोचकर रो रही थी कि वहाँ प्यारा सा व्हाइट लायन का बच्चा आता है। व्हाइट लायन का बच्चा मिया के उंगली को चूस रहा था। मिक उसे दूध पिलाने कहता है पर मिया ऐसा नहीं करती। मिक एनिमल लवर था, वो ही उसे दूध पिलाता है। मिया घर के बाहर फुटबॉल खेल रही थी और इसे व्हाइट लायन का बच्चा अक्सर देखा करता था। दिन बीतता चला गया और एक दिन सफेद शेर का बच्चा घर के बाहर आकर मिया से वो बॉल लेकर खेलने लगता है, पर ये मिया को पसंद नहीं आता। वो उसे उठाकर ले आती है और मिक को देखकर उसकी शिकायत करती है। मिया गुस्से में ब्रेकफास्ट भी नहीं करती, ना ही अपने पापा की बात मानती है, सीधे बाहर आती है, पर वहाँ भी शेर उसके पीछे आने लगते हैं। ऐसे एक दिन मिक व्हाइट लायन के बच्चे को दूध पिलाते समय उसकी आंख लग जाती है। व्हाइट लायन का बच्चा मिक के कमरे से बाहर आकर मिया के कमरे में आकर उसके बेड में चढ़कर उससे खेलता है, जिसके बाद मिया को उसे दूध पिलाना ही पड़ता है। मिया जिससे नफरत कर रही थी वो ही उसे प्यार करना सिखा देता है। मिया और उसका भाई मिलकर उस व्हाइट लायन के बच्चे का नाम रखते हैं, जिसे प्यार से चार्ली कहकर बुलाया जाता है। वो हर दिन चार्ली के साथ ही खेल रहे थे और बहुत खुश थे। इसे देखकर जॉन और उसकी बीवी एलिस भी खुश होते हैं। दिन महीनों में गुजर जाता है और चार्ली 4 महीने का हो जाता है। वहाँ मिक को फिर बुरा सपना आता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर मिया वहाँ जाकर अपने भाई को टिम्बावाटी रिवर की स्टोरी सुनाती है, जिसमें कि व्हाइट लायन इंसानियत बरकरार रखने लोगों को संकट से बचाने भगवान ने उसे धरती में भेजा है। मिया की माँ मिया को खुश देखकर वो भी बेहद खुश होती है। इसे वो अपने पति से आकर कहती है। एक दिन मिया खुद आकर अपने पिता से कहती है कि मुझे आपके साथ फार्म के सभी जानवरों को देखना है। जॉन उसे ले जाता है। मिया अपने पिता से फार्म कैसे पैसे कमाता है ये सवाल पूछती है। यहाँ के जानवरों को जू और पार्क में बेचकर पैसा कमाते हैं कहकर झूठ कहता है, पर हकीकत तो कुछ दूसरा ही था। मिया अपने पिता से चार्ली को कभी बेचना नहीं कहकर वादा करने कहती है। वो अपने बेटी को ले जाकर फार्म के सभी जानवरों को दिखाता है। मिया 2 हफ्तों के लिए स्कूल के ट्रिप में जाती है और यहाँ चार्ली को दूसरे शेरों के बच्चों के साथ रखा जाता है। मिया को हर पल हर दिन चार्ली याद आया करता था और यहाँ चार्ली को भी मिया। चार्ली ने 2 दिन से ना खाना खाया, ना ही अपने आप को दूसरे शेर के बच्चों से बचाने की कोशिश की, जिसके कारण वो घायल हो चुका था। यहाँ मिया अपनी टीचर से छुपती हुई वहाँ से भागकर रोड में आकर लिफ्ट लेकर अपने घर आकर पहले वो चार्ली को दूध पिलाती है। देखिए दोस्तों, प्यार इसी को तो कहते हैं। खैर, इसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मिया को एक पल भी चार्ली से दूर नहीं रहा जा सकता था। इस बात को चार्ली के माता पिता से कहती है। दिन बीतता चला गया और चार्ली बड़ा होता चला गया। चार्ली अब 8 महीने का हो चुका था। मिया अक्सर उसके साथ ही होती थी। चार्ली भी उससे बहुत प्यार करता था। वक्त बीतता चला गया और चार्ली 1 साल का हो गया और एक दिन वो घर के अंदर आकर टीवी को तोड़कर डाइनिंग टेबल में रखे खाने को खाता है। उससे सभी लोग डरते थे सिवाय मिया के। जॉन मिया को डांटकर चार्ली को वहाँ से बाहर ले जाने कहता है। मिया घर पर थी कि जॉन के कहने पर टूरिस्ट से पैसे लेकर वहाँ उन्हें चार्ली को दिखाया जाता है, पर फार्म कीपर टूरिस्ट को एंटरटेनमेंट करने के लिए उसके साथ खेलती है, पर ये चार्ली को पसंद नहीं आता और वो उस पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ये बात मिया को पता चलकर बाहर आकर चार्ली को पिंजरे में डालती है
और अपने डैड को उसके क्लाइंट्स के सामने अपमानित करती है, जिससे जॉन को बहुत गुस्सा आकर मिया को डांटकर अपने कमरे में जाने कहता है। कुछ दिनों के बाद मिया फिर चार्ली से खेलती है। इसे उसकी माँ देखकर घबरा जाती है, पर चार्ली तो मिया के साथ बस खेल रहा था। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। कुछ वक्त बाद वहाँ जॉन का फ्रेंड डर्क आता है, पर वो अच्छा आदमी नहीं था। वो जॉन से बिजनेस के मामले में बात करने आया था, पर जॉन उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था। जॉन अपने पत्नी और बच्चों को आज रात का डिनर करवाने ले जाता है। गड़बड़ी में मिया चार्ली के पिंजरे को बिना लॉक किए बगैर ही चली जाती है। डिनर खत्म कर आते समय चार्ली का पिंजरा खुला हुआ देखकर मिया को खूब डांट कर उन्हें सब घर के अंदर जाने कहता है जॉन, और अपने लोगों को ले जाकर जंगल में चार्ली की तलाश करता है। मिया भी टॉर्च लेकर निकल पड़ती है चार्ली को ढूंढने। उसके पीछे मिक आकर अपने दोस्त हेनरी की मदद से गेट खोलकर चार्ली को ढूंढते हैं। थोड़ी दूर में ही उन्हें चार्ली मिलता है, पर वहाँ केविन आकर उन्हें वहाँ से फार्म हाउस जाने कहता है। कुछ महीने के बाद दिखाया जाता है जब चार्ली पूरे 2 साल का जवान शेर हो चुका था। मिया चार्ली को पिंजरे में ले जाकर अपने भाई मिक को पिंजरे के अंदर बुलाती है। चार्ली तो उसे कुछ नहीं करता, पर उसकी माँ मिक को देखकर बाहर आकर चिल्लाने लगती है, जिससे जॉन गन लेकर बाहर आता है। और वहाँ पैनिक मोड में मिक गेट खोलकर बाहर आते वक्त चार्ली गेट में अपना पैर मारता है, जिससे मिक नीचे गिरकर उसके सिर पर चोट लगती है। घर पर डॉक्टर बुलाकर मलम पट्टी मिक को किया जाता है, और मिया को काफी देर मम्मी पापा की डांट सुननी पड़ती है, जिससे मिया बहुत रोने लगती है। मिया के पापा मिया को वार्न करते हैं कि अगर तुम चार्ली के पिंजरे में फिर से गई तो मैं चार्ली को बेच दूंगा। इसे सुनकर और भी रोने लगती है मिया। देखिए दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब मिया जानवरों से नफरत करती थी, और आज वो चार्ली से बहुत प्यार करती है। वो इंसानी क्या जो जानवर से प्यार ना करे। खैर, चार्ली को यहाँ से टिम्बावाटी रिवर रिजर्व ले जाकर आजाद करने का वादा चार्ली से करती है। दोस्तों, दिन साल में बीत जाते हैं और चार्ली अब बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो अब 3 साल का गबरू जवान हो चुका था। मिया अपने पापा के वार्निंग को भुलाकर अपने भाई मिक को लिए खुद चार्ली के पिंजरे में जाती है, और इसे सब मिक अपने फोन में वीडियो शूट करता है। मिया अक्सर चार्ली से मिलने यहाँ आया करती थी। दोस्तों, आप चार्ली का साइज को देख ही सकते हो, बगल में 14 साल की मिया, दोनों कितने प्यारे बेस्ट फ्रेंड है। खैर, मिक का पिट सूस जोड़ी को किचन में ढरा देता है। इसे देखकर भाई और बहन खूब हंसते हैं। उनके इस पल को कैमरे में कैद करने जॉन मिक के फोन को लेकर वीडियो शूट करते वक्त उसमें मिया की वीडियो क्लिप मिलती है, जिससे मिया के पिता को अब सब पता चलकर बहुत गुस्से में केविन से चार्ली के ट्रांसफर पेपर कल ही तैयार करने कहता है, जिसे सुनने के बाद मिया अपना होशो आवाज खोकर रोने लगती है, पर उसे उसका भाई शांत करता है। चार्ली को यहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर जंगली जानवरों के पिंजरे में डाला जाता है। इसे देखकर मिया वहाँ जाकर चार्ली को यहाँ से निकालने का वादा उससे कर वहाँ सो जाती है। सुबह वह देखती है कि उसके पापा गाड़ी में किसी के साथ आकर पिंजरे के अंदर कैद हुए शेरनी को बेहोशी का दवाई मारकर बेहोश कर रहे हैं। मिया तुरंत उस गाड़ी के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। बेहोश पड़े शेरनी को गाड़ी में डालकर ले आया जाता है जहाँ उसका शिकार करने अमीरजादे तैयार थे। वहाँ जॉन का दोस्त डिर्क भी था। वो जॉन को काफी पैसे देकर व्हाइट लायन को खरीदता है। 48 घंटे में चार्ली भी शिकार होने वाला था, और यही उनका बिजनेस था दोस्त, फार्म में शेरों को पालना और अच्छे रकम में उन्हें पैसे वालों को बेच देना। वो उन बेजुबान जानवरों को बिना किसी वजह शिकार कर मार देते थे। इसे मिया देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे उसके चार्ली को बचाना था। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अमीरजादे शिकारियों के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिया घर आकर इंटरनेट में शेरों की शिकार की कई वीडियोस देखकर रोने लगती है। वो खाना भी नहीं खाती। इसे देखकर मिक उसके कमरे में जाता है, तब मिया उसे सब बता देती है और चार्ली को टिम्बावाटी रिवर रिजर्व ले जाने की तैयारी करती है। बैकपैक में अपने और चार्ली के लिए खाना और जरूरत की चीजों को ले लेती है। मिक उसे इंटरनेट से रास्ता बता देता है और सालों से इकट्ठा किए पैसे को मिया को देता है। मिया पिंजरे के की को ढूंढ रही थी कि उसकी मदद जोड़ी करती है, और मिया बाहर आकर सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद करती है और अपने चार्ली को लेकर निकल पड़ती है। सुबह जब इनकी नजर पड़ती है तो इन्हें सब पता चल जाता है और सीसीटीवी फुटेज में ही देख लेते हैं। जॉन अपने फार्म के काम वालों को बुलाकर कुछ ही देर में उन सब जानवरों को पिंजरे के अंदर डलवा देता है और गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। इसे सब मिक अपने बहन मिया को मैसेज कर बता देता है।
कुछ ही देर में जॉन मिया और चार्ली को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और हाथों में गन लिए जोर जोर से मिया को पुकारता है। जवाब न आने पर गन गाड़ी के बाहर रखकर अपने दोस्त केविन को मैसेज करते वक्त जॉन चार्ली को देख लेता है, पर मिया वहाँ आकर उस गन को लेकर अपने पिता पर तान कर सब कुछ कह देती है। उनके बीच कई बातें होती है और आखिर में मिया को अपने पिता को बेहोशी का दवाई मारना ही पड़ता है जिससे जॉन बेहोश हो जाता है और मिया निकल पड़ती है चार्ली को लेकर गाड़ी में। इस बात को मिया अपने भाई मिक को बता देती है ताकि उसके पापा को यहाँ से ले जाया जा सके। चार्ली सुंदर नजारे को गाड़ी में बैठकर देख रहा था। कई दूर जाने के बाद गाड़ी की पेट्रोल खत्म होने आती है। मिया पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरती है और दुकान से खाने पीने की चीजें लेते वक्त न्यूज में उसकी और चार्ली की खबर को देखकर वहां से तुरंत बाहर आकर गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। कुछ दूरी में न्यूलैंड्स जाने की तरफ रोड ब्लॉक्स किया था पुलिस वालों ने। इस बात को मिक अपने बहन मिया से कहकर फ्रीवे यानी दूसरे रास्ते से जाने कहता है। मिया काफी थक चुकी थी, साथ ही उसे नींद भी आ रहा था जिसके कारण वो अपने गुस्से को चार्ली पर रोकर निकालती है, पर थोड़ी देर बाद वो एक साथ ऊपर सोते हैं। इसी को तो प्यार कहते हैं दोस्तों। खैर वह जॉन का दोस्त डेर काकर व्हाइट लाइन को ढूंढ कर अपने तरीके से शिकार करने की धमकी जॉन को देकर चला जाता है। इसे सुनकर जॉन भी निकल पड़ता है। उसके पीछे उसका बेटा मिक और उसकी पत्नी भी आती है। चार्ली 3 साल का बड़ा शेर था और इसीलिए वहाँ के सरकार ने शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया था। इसे रेडियो में ये लोग सुनते हैं। वह मियां गाड़ी में पड़ी हुई बुक के नक्शे को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। वह चाइना मॉल था और उसके पार जंगल था, इसीलिए मिया को चार्ली को लेकर उस मॉल के अंदर जाना ही पड़ता है जिससे सभी लोग उस व्हाइट लाइन को देखकर डर जाते हैं सिवाय इस चाचा के। खैर मिया चार्ली को लेकर एग्जिट में आकर उसे जंगल में ले जाती है। ये बात इन्हें पता चलकर ये भी वहां जाते हैं। चार्ली जंगल में आकर बहुत खुश था। कुछ दूरी में ऑस्ट्रिच को देखकर उसका शिकार करता है और मिया उसके मीट को चाकू से काटकर बैग में रख लेती है। वाटर कप ने क्लाइंट को गाड़ी में ले आकर चार्ली का शिकार करने उसका तलाश कर रहा था। मिया पेड़ में सारी रात गुजारती है और सुबह चार्ली के साथ जा ही रही थी कि वहाँ डिरकाकर मिया से बदतमीजी से पेश आता है। इसे देखकर चार्ली उसके ऊपर हमला करता है। उसकी आवाज ये लोग सुनते हैं। चार्ली को डिर का क्लाइंट शूट करता तो है पर चार्ली बच जाता है। मिया चार्ली को लेकर निकल पड़ती है। वहाँ जॉन डिर को डांट कर उसके बेटी के बारे में पूछता है जिससे अब एलिस को ये बात पता चलती है और वो काफी गुस्से से जॉन से बातें करती है क्योंकि जॉन ने वादा किया था कि वो फार्म के शेरों को कभी किसी को नहीं बेचेगा। इस बात पर बहस बढ़ जाती है। इसे देखकर मिक को अपने मम्मी पापा से सच कहना ही पड़ता है जिससे अब जॉन इसे पुलिस को बताकर सीधे टिम्बावाटी रिवर रिजर्व की तरफ जाता है। वह मिया काफी दूर चलकर आने के कारण काफी थक चुकी थी। रास्ते में भूख लगने पर वो ऑस्ट्रिच का मीट को खाती है और कुछ दूरी में बॉटल में पानी भरकर उसे पीती है और चार्ली को लेकर अपने थकान को बुलाकर एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती है और आखिरकार वो पहुंच जाते हैं टिम्बावाटी रिवर रिजर्व। शैमन चार्ली को बुलाता है और चार्ली एक आखिरी बार अपने बेस्ट फ्रेंड मिया से मिलकर आगे बढ़ता है। मिया को ये दूरी मंजूर नहीं थी पर चार्ली के भलाई के लिए उसे वहाँ भेजना ही पड़ता है वरना वो यहाँ किसी अमीरजादे का शिकार हो सकता था। प्यारा सा चार्ली मिया को एक बार मुड़कर देखता है जो पल बहुत ही इमोशनल था और तब जॉन के गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियां वहां आकर चार्ली को शूट करने रेडी होते हैं। देखिए दोस्तों एक शेर को मारने इतने सारे पुलिस वाले क्या कहा जाए इन्हें। खैर मिया रो रो कर अपने पापा से चार्ली को बचाने कहती है। इसे सुनने के बाद पिता का पत्थर दिल पिघल कर वो चार्ली के सामने आकर उसे बचाता है। कुछ ही देर में चार्ली टिम्बावाटी रिवर रिजर्व पहुंच जाता है जिसके कारण पुलिस वाले उसे शूट नहीं कर पाते। दोस्तों मम्मी पापा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं हम ही है जो समझ नहीं पाते। खैर चार्ली को जहाँ होना चाहिए था वहाँ पहुँच जाता है और कुछ सालों के बाद चार्ली को बच्चे होते हैं। इसे मिया देखकर बहुत खुश होती है। तो ऐसे दोस्तों इस शानदार मूवी की कहानी की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है। आपको कैसे लगा ये मूवी की कहानी? क्या आपका भी भाई मिया के भाई जैसा ही प्यार और आपको सपोर्ट करता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा बिना किसी झिझक के कमेंट कर। मिया छोटी जरूर थी पर उसने अपना विश्वास टूटने नहीं दिया और अपने प्यारे से बेस्ट फ्रेंड चार्ली को बचा ही लिया। तो आप अपना खूब ख्याल रखना मैं लौटूंगा दिल को छू जाने वाली मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।